नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, लोकसभा सीटों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा सीट। मैं आपको बता दूं कि अभी जो एग्जाम शुरू हो गए हैं उनमें भी ये टॉपिक पूछा जा रहा है। रेलवे के एग्जाम अभी शुरू हो चुके हैं, जेई के एग्जाम में अभी ये टॉपिक पूछा जा रहा है और हमेशा से पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फटाफट आज हम मैप के थ्रू स्टेट वाइज इन लोकसभा सीट्स को याद कर लेंगे कि कहाँ पर कितनी लोकसभा सीट्स हैं, क्या पूछी जा सकती हैं, और जो पढ़ चुके हैं अगर तो वो भी रिवाइज कर लीजिए, आपका एक टेस्ट हो जाएगा। तो आइए फटाफट हम देख लेते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देती हूँ कि वर्तमान में जो लोकसभा सीट्स की संख्या है वो कितनी है, 545। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या, जो राज्यों में लोकसभा सीट्स बांटी गई हैं, वो टोटल कितनी है अभी वर्तमान में, 545। इन 545 545 में जो 530 लोकसभा सीट्स हैं वो राज्यों से हैं, 530 लोकसभा सीट्स राज्यों से हैं, और बाकी की जो 13 सीट्स हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से है। ठीक है दोस्तों, तो 545 सीट्स में जो 530 सीट्स हैं वो राज्यों से है और बाकी की जो 13 सीट्स हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से है। तो हम फटाफट इनको देख लेंगे। और अधिकतम मैं आपको बता दूं कि अधिकतम जो लोकसभा सीट्स की संख्या है वो कितनी हो सकती है, 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि लोकसभा सीट्स की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, और वर्तमान में जो लोकसभा सीट्स हैं वो 545 हैं, जिसमें कि 530 जो हैं वो राज्यों से हैं और 13 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। तो आइए एक एक करके हम फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेंगे, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉप पर, फर्स्ट नंबर पे जो लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 सीट लोकसभा की हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में अभी 80 लोकसभा सीट हैं। सेकंड नंबर पे आप याद रखिएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा सीट हैं बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, 48 महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे 48 लोकसभा सीट्स की संख्या है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट्स हैं, थर्ड नंबर वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीट थर्ड। इसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर आप देखेंगे तो बिहार में, बिहार में कितनी है, 40 बिहार में राउंड फिगर में 40 लोकसभा सीट्स की संख्या। फिफ्थ नंबर पे टॉप फाइव हम पढ़ रहे हैं, फिफ्थ नंबर पे तमिलनाडु, तमिलनाडु में फिफ्थ नंबर पे 39 लोकसभा सीट्स। आपके सामने पांच टॉप फाइव राज्यों की लोकसभा सीट्स आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, 48 वेस्ट बंगाल में 42 42, इसके बाद बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39। टॉप फाइव आप याद कर लीजिए फटाफट इनको। इसके बाद आइए चलिए एक एक करके हम अपने राज्यों को कवर कर लेते हैं। अगर ऊपर से आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कितनी, 6 लोकसभा सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी हैं, 4 लोकसभा सीटें। पंजाब में, पंजाब में कितनी लोकसभा सीटें हैं, 13, पंजाब को 13 लोकसभा सीटें हैं। इसके बाद उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं, 5, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हरियाणा में, हरियाणा में कितनी लोकसभा सीटें हैं, 10, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। इसके बाद यूपी में हम पढ़ चुके हैं 80 लोकसभा सीटें हैं, और हमारे बिहार में हम पढ़ चुके हैं 40, राजस्थान में देखिए, राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं, 25, 25, गुजरात में, गुजरात में कितनी है, 26, सारे आंकड़े, आंकड़े एक एक करके आपके सामने आते जा रहे हैं, आप इनको नोट करते जाइए, रिवाइज करते जाइए, अपने माइंड में सेट करते जाइए। तो गुजरात में कितनी हमने पढ़ ली, 26, 25, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, 29 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद झारखंड में, झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं, झारखंड में हैं 14 लोकसभा सीटें। यूपी में हमने पढ़ लिया है 80 और बिहार में हमने पढ़ लिया है 40। इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, 11 छत्तीसगढ़ में। वेस्ट बंगाल हम पढ़ चुके हैं, कितनी वेस्ट बंगाल में कितनी लोकसभा सीटें मैंने आपको बताई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि वेस्ट बंगाल में कितनी लोकसभा सीटें मैंने आपको बताई हैं। उड़ीसा में, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य को कितनी लोकसभा सीटें हैं, उड़ीसा राज्य के पास 21। ठीक है दोस्तों, 21 याद रखिएगा। महाराष्ट्र में आपको बता चुकी हूँ, महाराष्ट्र टॉप फाइव में आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा सीटें हैं। इसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना हमारा नया राज्य, तेलंगाना कितनी लोकसभा सीटें इसके पास हैं, 15 लोकसभा सीटें। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 15 लोकसभा सीटें। इसके बाद गोवा, गोवा हमारा, गोवा छोटा सा जो हमारा राज्य है गोवा, उसके पास कितनी लोकसभा सीटें हैं, 2। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा गोवा के पास कितनी है, 2।
कर्नाटका, कर्नाटका में 26 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पास 25 आंध्र प्रदेश के पास कितनी है, 25 याद रखिएगा। केरल, केरल में 20, केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, 20। तमिलनाडु में आपको बता चुकी हूँ, टॉप 5 में आता है तमिलनाडु में, कितनी लोकसभा सीटें हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद फटाफट आ जाइए हमारे पूर्वोत्तर की राज्यों की तरफ, पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए सिक्किम में, सिक्किम में कितनी लोकसभा सीट है, 101 लोकसभा सीट। असम में, असम में कितनी लोकसभा सीटें, असम के पास 14 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के पास कितनी है, 02 दो लोकसभा सीटें। ठीक है, इसके बाद मेघालय, मेघालय, मेघालय के पास कितनी लोकसभा सीटें हैं, 02 मेघालय के पास भी सेम 02। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मेघालय दोनों के पास कितनी लोकसभा सीटें हैं, 02। इसके बाद नागालैंड, नागालैंड के पास, नागालैंड के पास कितनी, सेवन सिस्टर्स हम कवर कर रहे हैं, फटाफट याद कर लीजिए सेवन सिस्टर्स के मैं, नागालैंड, नागालैंड के पास भी 01 सिर्फ एक लोकसभा सीट। मणिपुर, मणिपुर में कितनी, मणिपुर में 2 दो लोकसभा सीटें मणिपुर के पास। इसके बाद मिजोरम, मिजोरम में एक लोकसभा सीट है। ठीक है दोस्तों, मिजोरम में एक लोकसभा सीट। और हमारा यहाँ पर त्रिपुरा, त्रिपुरा के पास कितनी है, 02। ठीक है दोस्तों, 02 त्रिपुरा के पास कितनी है, 02। देख लीजिए आप मैप में, आपके सामने पूरा कवर कर चुकी हूँ, फटाफट आपने 7 से 8 मिनट में कवर कर लिया है कि सारे राज्यों में कितनी लोकसभा सीटें हैं, इनको रिवाइज कर लीजिए, आपको फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टॉप 5 जो मैंने आपको शुरू में लोकसभा सीट्स बताई हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हमारे जो बचे हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी लोकसभा सीटें दी गई है मैं आपको बता देती हूँ, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी याद करने में, सिर्फ आपको केंद्र शासित प्रदेश, ये देखिए 29 राज्यों के बाद ये लिस्ट आपके सामने है, केंद्र शासित प्रदेश आप देख पा रहे हैं, अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नागर हवेली 1, दमन एंड दीव 1, लक्षद्वीप 1, दिल्ली एनसीआर 7, पांडिचेरी 1। तो आपके सामने ये लिस्ट है, आप बिल्कुल फटाफट याद कर लीजिए। केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दिल्ली एनसीआर के पास 7 लोकसभा सीट्स हैं, बाकी सभी के पास 01 01 01, याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है इसको याद करना। तो आज हमने मैप से कवर कर लिया, फटाफट इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारी जो अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, उसमें मैंने आपको बताया कि 530 सदस्य राज्यों से होते हैं, 20 सदस्य मैं आपको बता दूं केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। ठीक है दोस्तों, और 02 दो सदस्य जो हैं वो अलग से राष्ट्रपति के द्वारा, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन सीट्स दो होती हैं। तो चलिए आप मुझे बताइए कि वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह से और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।